वाराणसी में घरेलू विवाद में गुस्साए पति ने सोमवार की रात पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। मंगलवार की सुबह देर तक घर का दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसियों ने आवाज लगाई, पुलिस को इसकी सूचना दी। दरवाजा खोला गया तो कमरे में खाना बनाने के कुछ सामान जले थे। बिस्तर पर पत्नी की लाश पड़ी थी। पड़ोसियों ने महिला के पति की तलाश की तो घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर उसका शव खेतों के बीच रोड पर पड़ा मिला। उसके गले में रस्सी कसी थी। पुलिस मान रही है कि युवक की भी किसी ने हत्या की है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। आपको बताते चले कि थाना चोलापुर के गांव गुरवट सिलेमापुर में संतोष सिंह अपनी पत्नी आरती सिंह के साथ किराए पर रूम लेकर रहते थे। संतोष वाराणसी शहर का रहने वाला था। वह किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था। दोनों में पारिवारिक कारणों से अक्सर विवाद होता रहता था। पड़ोसी भी कई बार इस विवाद को सुलझाते रहे। सोमवार की रात भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद संतोष ने पत्नी आरती को पीट दिया। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि संतोष सिंह ने धारदार हथियार से पत्नी की कई वार कर दिए। गर्दन समेत शरीर पर कई गहरे घाव होने के बाद महिला ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद संतोष घबरा गया और घर बाहर से बंद करके मौके से फरार हो गया। इस घटना के बारे में बताते हुए जॉइंट सीपी डॉक्टर के एजरलसल ने बताया कि आरती के पिता बाबूलाल की तहरीर पर पुलिस ने शव का पंचनामा भरा शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस कई पहलुओं से जांच कर रही है। मौत कैसे हुई यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। सूचना मिले थी सुबह हम लोगों का फला जगह पे जो है महिला कमरे के अंदर मरते हुए बॉडी ऐसे सूचना मिले। फिर रास्ता में उसका हस्बैंड भी बॉडी मिला है तो दोनों घटनास्थल देखे हमने। अभी जांच चल रही है। सर महिला जैसे कहाँ की रहने वाली है? महिला और हस्बैंड दोनों जो है मतलब यहाँ का नहीं है, कहीं बागर अंबेडकर नगर का सामने आ रहा अभी फैला। प्रथम दृष्टिया अंबेडकर का रहने वाले दोनों पक्ष। फिर शादी विधि हुआ है और 25 साल शादी हो गया। लगभग महिला का 40 ईयर्स प्लस है और ये सेकेंड वाइफ है। अच्छा सेकेंड वाइफ। हाँ ये सेकेंड वाइफ है और इनके साथ कोई बच्चा नहीं है। फर्स्ट वाइफ का साथ बच्चा था, वो इनके साथ नहीं रहता है। देख तमाम चीज़ जो है इसके बाद ही पता चलेगा। सर यहाँ पे किसके रूम में रहते थे, कैसे रहते थे, कितने दिनों से रहते थे सर? नहीं नहीं देखिए अचानक अभी पता चला है, ये 2 दिन पहले ही यहाँ पर आए हैं, किराए पे आए थे इधर। और देखिए तमाम चीज़ सवाल है, इसको जवाब जो है शाम तक मिल जाएगा। सर यहाँ पे जैसे रहते होंगे किसके रूम में रहते होंगे सर, इसको जानकारी होगी? नहीं नहीं एक छोटा सा आप देख रहे हो ना, छोटा सा झोपड़ी टाइप शेड टाइप है सर। उनका ही खुद जैसे अम्बेडकर नगर से यहाँ आके बनवा के रह रहे थे या यहाँ पे किराए पे? नहीं नहीं किराए किराए पे, मैंने बोला ना आपको किराए पे। ध्यान से सुनिए सर, किराए पे जैसे जिसके यहाँ रह रहे थे उसके मकान मालिक का नाम कुछ तो? पहले वहाँ सिटी में रहते थे लालपुर पांडेपुर में, अचानक 2 दिन के पहले यहाँ शिफ्ट हो गए थे। क्या काम करते थे सर? काम जो है तमाम चीज़ आ रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।